धन्यवाद करता हूँ अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का जिनके बदौलत आज ये फिल्म का शुभारंभ हुआ है हमार जान नदिया के पार। और ये फिल्म फिर उसके बाद मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा जो आए और इतने सारे न्यूज़ लेकर आ रहे हैं, न्यूज़ इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए थैंक यू सो मच, जो इतना अच्छा प्रोग्राम रखा और ये फिल्म जो बना रहे हैं बहुत अच्छा इसका स्टोरी है फिल्म का। जो सुनील मिश्रा जी है प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय निषाद जी और राहुल जी प्लेटफॉर्म नंबर 2 फिल्म थी उसके बाद वापस ये जोड़ी रिपीट हो रही है, उस फिल्म से उस फिल्म के बाद से ही ना एक दूसरे को कनेक्ट कर पाए आप लोग। रियली में प्लेटफॉर्म 2 एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी और लोगों ने उसे बहुत बहुत उम्मीदों से ज़्यादा प्यार दिया था और मैं अब उम्मीद करूँगा कि और हम लोग की बात रही जोड़ी की थी, हम लोग की जोड़ी स्टार्टिंग से ही चली आ रही है तो बेशक हम लोग की जोड़ी बहुत अच्छा होना चाहिए और आगे भी अच्छा होता रहेगा। इस फिल्म में मैं एक गाँव का लड़का हूँ और गांव का जो एक माहौल होता है उस तरीके का मैं इस किरदार को निभा रहा हूँ। इसमें मेरा किरदार राम का है। अरिश्मा जी आप कुछ बताना चाहेंगे अपनी भूमिका के बारे में, अपने किरदार के बारे में? मेरा जो किरदार है बहुत अच्छा है और जो मेरे पिताजी जो रहते हैं वो बहुत गुस्से वाले रहते हैं, जो उनका आतंक रहता है तो उसी में उन्हीं के इसमें हूँ और जो हीरोज़ के अपोजिट हूँ। और ये फिल्म की बात कहा जाए तो ये फिल्म बहुत अच्छा है, एकदम साफ सुथरा अश्लीलता को मार देने वाला एक फिल्म है, इसमें अश्लीलता बिल्कुल नहीं है जी। अच्छा स्टोरी है इसका राइटर जो है राहुल सिंह जी खुद ही लिख रहे हैं तो मुझे स्टोरी के बारे में बताया तो मुझे बहुत अच्छी स्टोरी लगी, बहुत अच्छा है फिल्म और आगे जाके भी बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। अच्छा मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट हूँ उसी फिल्म से जो रियली है, क्योंकि जब मैं नदिया के पार देखता था तो एक ऐसा रहता था कि मैं कभी ऐसा फिल्म बनाऊंगा। आज वो समय आ गया है जब हमार जान और नदिया के पार लेके आ रहा हूँ, मतलब हमार जान नदिया के पार लेकर ले गया। वैसे में नदिया का पार्ट 2 इस वजह लेके मिला नहीं, लेकिन हमार जान नदिया के पार्ट 2 मिला और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, मतलब ऐसी फिल्में बहुत कम आती है। और मैं इस फिल्म के जरिए कहना चाहता हूँ इस फिल्म की अश्लीलता बिल्कुल भी नहीं है और इस फिल्म के प्रोडक्शन है सुनील मिश्रा जी, डायरेक्टर है संजय निषाद जी और म्यूजिक मतलब गीत लिख रहे हैं मुकेश सावंत जी हैं, एक गीत मैं भी लिख रहा हूँ और अदर जितने भी होंगे राजेश मिश्रा जी इसमें मतलब गीत लिख रहे हैं और राघवन चौधरी म्यूजिक दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन फिल्म है और बहुत दिनों के बाद एक ऐसी फिल्म देखने को मिलेगी। नहीं इसे मैं गाना नहीं गा रहा हूँ क्योंकि मुझे गीत गाने नहीं आते। इसका लोकेशन गुजरात में देखा गया है और इसका शूटिंग जो है 15 जनवरी की बात हो रही है क्योंकि अभी खरमास लगने वाला है, इसी वजह से इसका शूटिंग जो है ना थोड़ा डिले करके जनवरी में किया गया। दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 को हिट बनाया, लेडीजों ने भी जाके फिल्म को सपोर्ट किया, ऐसे ही हम आज नदिया के पार को अच्छा सा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और सब महिला वगैरह सब बहुत प्यार दीजिए और जाकर देखिए क्योंकि ये अश्लीलता के खिलाफ है, क्योंकि इसमें अश्लीलता बिल्कुल नहीं है। अभी जो माहौल चल रहा है फिल्म को लेकर के अश्लीलता हर जगह, अभी इसमें सॉन्ग में आइटम सॉन्ग से लेकर किसी में भी अश्लीलता बिल्कुल नहीं है, एकदम साफ सुथरा पारिवारिक फिल्म है जी। यही बात मैं भी कहना चाहूँगा कि मतलब ये जो है एकदम अश्लीलता के विरुद्ध फिल्म है और एक बेहतरीन फिल्म है। जब ये पर्दे पर आएगी तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि दर्शकों को बहुत भाई ये फिल्म और मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि ऐसा ही होगा और ये क्योंकि इसकी जो स्टोरी है कॉन्सेप्ट है और आर्टिस्ट लोग हैं सभी अपना दिल से काम कर रहे हैं
और जब ये फिल्म बनेगी तो एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बन के निकल पाएगी। राहुल जी बात करें, जैसे कोई फिल्म हिट होती है तो उसके बाद हीरो हीरोइन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है उससे बेस्ट फिल्म बनाने की। आप दोनों कपल की पहली फिल्म थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 जिससे दर्शकों के उम्मीद मिली और एक नया सिनेमा मिला, अब वो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी, लड़के के बारे उससे कितना ऊपर है। जी जी बस मैं वही जिम्मेदारी जो है अपने सर लिए बैठा हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो फिल्म आएगा जब पर्दे पे रिलीज किया जाएगा तो उससे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से बढ़ चढ़ के होगी। मैं दर्शकों से यही गुजारिश करता हूँ, सबसे पहले तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ अपने दर्शकों को जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म 2 में बहुत सारा ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दिया था और मैं इस बार उससे ज्यादा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ढेर सारा ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहिए और मेरा हौसला करना पड़ता है ताकि मैं आप लोगों के बीच एक बेहतरीन से बेहतरीन फिल्म लाते रहूँ, जैसे हमारे जो नदिया के पार है इसी तरह बैक टू बैक फिल्म मेरे आएगी अभी और आप लोग के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए और सबसे और आगे जाके मैं कहता हूँ कि मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ कहीं ना कहीं मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है, मैं आप सबको भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। लोग यार सर सामने देखो टाइटल देख रहे हैं हमारे नदिया के पार, टाइटल के हिसाब से कंसेप्ट है और आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 की सुपरहिट जोड़ी के साथ काम करने का मुझे अवसर मिला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा फिल्म के निर्माता सुनील मिश्रा जी को जिन्होंने मेरा चुनाव किया और मुझे बेहद खुशी हुई है। इसके पहले तो फिल्में मैंने हिंदी में कर चुकी है और भोजपुरी की अजय डायरेक्शन में मेरी पहली फिल्म तो एक आशा और विश्वास है कि बहुत अच्छा होने वाला है मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा। मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे जान नदिया के पार अलग ही पहचान बनाएगी। ये इतनी फिल्म जो कहानी है उसके राहुल जी ने फिर बताए तो मैं राहुल जी घर में राहुल जी ने मुझे बताया कहानी पर लिखा मुझे बहुत अच्छा लगा कहानी पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा तो फिर हमने लोगों डिसाइड किया कि लोग ये फिल्म साथ मिल करेंगे सारे उधर ही बैठे क्योंकि इसमें कि जैसे भोजपुरी देखा गया कि कितना अश्लीलता का काम किया जाता है ना, हम लोगों ने सोचा कि इसमें अश्लीलता का हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा काम करिए कि भोजपुरी भी दिखाई थी कि हाँ गुजरात के कई जगह लोकेशन है, गुजरात में सारा लोकेशन है, खूबसूरत लोकेशन का चुनाव भी कर लिया गया है और 20 जनवरी से संभवतः शूटिंग शुरू होने की संभावना है। जी मेरा नाम उदय श्रीवास्तव है और अब तक भोजपुरी की कम से कम 200 से 250 फिल्में हमारी रिलीज है और ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य का दिन है आज कि मैं निर्देशक संजय निषाद जी के साथ ये फिल्म करने का मौका मिला हमार जान नदिया के पार, इसके निर्माता सुनील मिश्रा जी के साथ ये काम करने का मौका मिला। मैं तो पैदा ही हुआ हूँ भोजपुरी फिल्म के लिए क्योंकि भोजपुरी से इतना लगाव है मुझे तो मैं अपने आप को लगता है मुझे कि मैं पैदा ही हुआ हूँ भोजपुरी फिल्म करने के लिए और अब तक इंडस्ट्री में जब से हूँ सामने तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने करीब 200-250 फिल्में हमारी रिलीज हो चुकी हैं और आगे भी भोजपुरी की सेवा करता रहूँगा। बस मुझे दुख है तो भोजपुरी में कुछ लोग पैसे कमाने के लिए अश्लीलता फैला रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि भोजपुरी इसकी मिठास के लिए जानी जाती है। भोजपुरी फिल्म को हम अपने माँ बहन भाई बहनों के साथ ये फिल्म देखते हैं और मैं चाहता हूँ हमारे संजय भाई ने इस फिल्म को और सुनील जी ने इस फिल्म को इस तरह से बना रहे हैं कि वो हम परिवार के साथ इस फिल्म को देखें और हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएँ हैं संजय जी को और सुनील जी को कि अच्छे से अच्छी फिल्म बने भोजपुरी के और दर्शक इसके बढ़े। लोग सामने और अभी इसके बाद हम गाने कुछ बताना चाहेंगे जी, अभी तो हम सॉरी क्षमा चाहते हैं कुछ नहीं बता पाएंगे गाने के बारे में।
ठीक थैंक यू। मेरा रमाकांत नारायण है, रमाकांत बल्ला नाम है, और मैं शुरुआत के लिए आपको सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और फिल्मों को एक मूल धारा में लाए, नए काम तक पहुँचाए। मैं यही चाहता हूँ जैसे साउथ फिल्म है अपना मेन स्ट्रीम सिनेमा हिंदी है, उसी तरह का भोजपुरी फिल्मों को भी एक्टिंग के रूप में टेक्निकली एकदम परफेक्ट फिल्म बने, मेरा यही शुभकामना है आपको। और समाज को एक अच्छा मैसेज जाए, जो भोजपुरी की मिट्टी है, जो भोजपुरी की महक है, भोजपुरी फिल्मों में रखना चाहिए और उसी के हिसाब से फिल्म बनना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोगों को कि भोजपुरी में जो अश्लीलता है, जो डबल मीनिंग गाने हैं, उसको जब तक बहिष्कृत नहीं करेंगे, जब तक उसको निकालेंगे नहीं, तब तक भोजपुरी के कलाकारों को, जो क्रू मेंबर, उनको सम्मान नहीं मिलेगा। जब हम बोलते हैं भोजपुरी फिल्म, अदर कम्युनिटी के लोग हंसते हैं, कहीं कहीं वो एक क्रंच कसते हैं। मतलब आपने शुरुआत की है अभी इसी फिल्म के साथ? जी एकदम शुरू, तुम तो मत लो, मुझे बोल दो, एकदम अच्छा होना चाहिए, हाथ मत लो। ठीक है, हाथ मिला सर आप शांत रहा है। और फिल्म का नाम है जान पास किया के बारे में, टाइटल ही बहुत प्यारा है और एक लव स्टोरी फिल्म है और फिल्म बनेगी तो कहानी अनुदान सुना है। राहुल जी इसके हीरो हैं, राहुल सिंह जी, और मैं मिलन जी से, और बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर मेरा भी है। और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं संजय जी, प्रोड्यूस कर रहे हैं सुनील जी, तो बहुत अच्छी सोच के साथ ये फिल्म बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी फिल्म बने और दर्शकों के पास जब पहुँचे तो दर्शक इस फिल्म को इन्जॉय करें और वैसा ना लगे कि मैं खास महसूस कर रहा हूँ। फिल्में आजकल अच्छी बननी जरूरी है, दर्शकों मजा आएगा, तो हमें उम्मीद है बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे संजय जी। और राहुल जी हीरो हैं, राहुल जी की फिल्म परफॉर्म नंबर टू अच्छा बिजनेस की थी और हम उम्मीद करते हैं कि ये भी फिल्म बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं सबको नमस्कार, ये मूवी जो बन रही है पार जान नदिया के पार, और वास्तव में पीछे प्यार की बात मिलने जा रहा है, तो मैं आशा करता हूँ और इस प्रभु का परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि ये पिक्चर खूब बढ़िया बने। और संजय के साथ जो हमारे समाज से अभिनय करते हैं, मैं उनके साथ भी पिक्चर कर चुका हूँ आगे चाहे, और हम पूरी तरह से परमात्मा से विनती करते हैं कि पिक्चर ऊपर ऊपर जाए। और आप सभी को बधाई के पात्र हैं जो आप यहाँ पर उपस्थित हुए, सभी का धन्यवाद। ओके थैंक यू। मैंने उनको फोन छोड़ लिया, पवन जी हीरो हैं और देवेंद्र तिवारी जी उसके डायरेक्टर हैं, और उसके बाद है टकरार जिसमें राकेश सक्सेना है, और हम किसी से कम नहीं। अभी मैं तो जिसके डायरेक्टर हैं दो जो हैं प्रमोद प्रेमी जी, तो अपनी रिलीज में मेरी 10 फिल्में नियर अबाउट देख रही हूँ और आने वाला टाइम भी अच्छा है, कुछ फिल्में मैंने साइन कर रखा है, अभी प्रूव कर रहा हूँ, तो बस चल रहा आप लोगों का आशीर्वाद से इतना कर रहा हूँ। हमारे जान नदिया के पार मेरे अनुज प्रोड्यूसर सुनील मिश्रा जी और डायरेक्टर संजय निषाद जी और फिल्म के जो एक्टर हैं राहुल सिंह, रेशमा शेख और बाकी सारी मंडलियों को मैं हमारे सलाम से तमाम दर्शकों श्रोताओं की ओर से मैं बड़ी शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि फिल्म बोलने के बाद कम से कम 10 करोड़ के ऊपर का बिजनेस है। पूरी जो फिल्म है इसकी स्थिति बड़ी नाजुक चल रही है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स पिक्चर बना रहे हैं, बहुत सारे पैसे लग रहे हैं, जी जान लगा के और इतने सारे हजारों लोगों की मेहनत के बाद ये पिक्चर रिलीज होती है, रिकवरी नहीं हो पाती। मैं इस फिल्म के लिए ईश्वर से, ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि ये फिल्म की अच्छी रिकवरी हो और भोजपुरी फिल्म एक बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाए। धन्यवाद।